उड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। परम पिता परम आत्मा, अभी उसको जानते हो ना कि हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा। परमात्मा अक्षर सीधा कहने से परमात्मा, परंतु परम आत्मा अगर उसको पद को अलग करेंगे तो फिर परम आत्मा, यानी है वो भी आत्मा परंतु परम। जैसे आत्मा में कहा जाता है भाई ये महान आत्मा, फिर मिला के कहेंगे महात्मा, हाँ उसका है तो सही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। देखो आत्मा के ऊपर सब आता है, महान भी आत्मा, फिर पाप भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा के ऊपर लगता है। पुण्य आत्मा, तो पुण्य करती है तो पुण्य का भी आत्मा, तो ये आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य लगता है, और उसी हिसाब से फिर वो महान आत्मा या पाप आत्मा बनती है। परंतु उसको कहेंगे एक ही सोल, जिसको कही जाता है सुप्रीम सोल अंग्रेजी में भी, उसको फिर हिंदी में कहेंगे परम आत्मा। परम आत्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं बहुत कह सकते हैं भाई, महान आत्माएं, परम आत्माएं बहुत नहीं, परम आत्मा एक, सबसे ऊंचे से ऊंचा। तो ये भी चीज समझने की है कि परम आत्मा भी है आत्मा, परंतु उसको परम कहते हैं इसी हिसाब से कि हम सब आत्माओं में अथवा आत्माओं से उनका जो कुछ पाठ है आत्मा में वो भिन्न है, हम आत्माओं का भी भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। देखो मिलता है, अगर सब कोई का मिले ना तो फिर शक्ल एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा हो नहीं, पर तो ऐसा कभी कोई देखा जिसका सब कुछ एक जैसा होगा नहीं, भले कहीं कभी दो बालक कट्ठे भी जन्मते नहीं, शक्ल की थोड़ी मुशाबत होती है, परंतु तो भी हा? संस्कारों के हिसाब से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर रहता ही है। इसीलिए हर एक आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है, लेकिन आत्माओं में ये जरूर है कि सब का फिर जन्म मरण में आना है, फिर भले कर करके कोई बहुत में बहुत आत्माएं 84 जन्म, फिर कोई यहाँ 80 जन्म, कोई 70 जन्म, कोई नंबर वाल उस जन्मों का फर्क, ये सभी बातें हो सकती हैं, लेकिन जन्म मरण में तो आती है नहीं। तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, तो आत्मा सब आती है जन्म मरण में, लेकिन मैं एक हूँ जो जन्म मरण रहित गाया जाता हूँ, इसीलिए मेरा आना जो है ना वो मनुष्यों के आत्माओं की सदृश नहीं है, वो अपने कर्म से जन्म मरण में आती हैं, मैं जो हूँ ना वो इस तरह नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ प्रकृति या कोई का टेम्पररी शरीर का आधार लेकर करके आकर के सिर्फ नॉलेज सुनाता हूँ। तो मेरा आना मेरा पाठ बजाना और ढंग से हो गया ना सब से, इसीलिए सब बात में मेरा कर्तव्य भी सब आत्माओं से महान है, भले क्राइस्ट आया बुद्ध आया सब आया, ये भी आत्माएं आई जिनको धर्म पिताएं कहा जाता है, यानी धर्म का स्थापित, धर्म का क्रिएटर, यानी धर्म अपना, जैसे क्राइस्ट धर्म का क्रिएटर कौन हुआ भाई क्राइस्ट, इसीलिए उसको कहेंगे धर्म पिता यानी धर्म का रचता, लेकिन दुनिया का रचता नहीं कहेंगे उसको, धर्म का रचता। तो क्रिएटर किसको कहेंगे, धर्म के रचता को नहीं कहेंगे, क्रिएटर वर्ल्ड का क्रिएटर तो फिर उसको कहेंगे ना, इसी नाते उसका काम सबसे भिन्न हो गया, इसीलिए उनको गॉड या परमात्मा ये सब कहने में आता है। तो ये सभी चीजें समझने की है, उसी परम आत्मा का सभी आत्माओं से भिन्न पाठ कैसे हैं, तो ये सभी चीजें बैठ कर करके खुद ही
वो परम आत्मा समझा रहे। तभी तो देखो गीतों में कहते हैं ना कि तू आ रूप बदल के आ, बुलाते हैं उसको कि आ अभी आकाश सिंहासन छोर, अभी आकाश में नहीं रहता है परंतु ऊपर है ना, तो बेचारे ऊपर का नॉलेज तो जानते नहीं है कि वो कहाँ रहने वाला है, पर हम तू रहने वाला है ब्रह्म महतत्व में। ये भी समझने की बात, जैसे हम आकाश तत्व में इस ईथर में हम मनुष्य रहते हैं, लेकिन आकाश के पास जिसको ब्रह्म तत्व कहो या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इन्फिनिट लाइट, तो इन्फिनिट लाइट में जिसको फिर हिंदी में कहा जाता है अखंड ज्योति, तो उसमें फिर आत्माएं और परमात्मा का निवास है, जिसको ब्रह्मांड भी कहे, यानी ब्रह्म तत्व में ये जो आंडे सदृश या स्टार लाइक और बिंदी लाइक और ये आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं निराकारी दुनिया कहो ब्रह्मांड कहो, या उनको अंग्रेजी में भी कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि हाँ वो आत्माएं और परमात्मा का निवास, अभी कहते तू आ रूप बदल के यहाँ आएगा कॉर्पोरियल में, तो जरूर कॉर्पोरियल फॉर्म लेगा ना, हा? इसीलिए इनको रूप बदलना पड़ेगा। तो कहते अभी आ, जैसे हम आत्माएं भी निराकारी से यहाँ कॉर्पोरियल में एक्ट करते हैं, अभी हम तो फंस गए सब है, अभी तू आ कर सके हम सबको छुरा, क्योंकि बंधन मुक्त करना माया की बॉन्डेज से ये तुम ही छुरा सकते हो, इसीलिए उसे बुलाते हैं कि तू आ इस माया की बॉन्डेज से हमें छुरा। तो अभी छुराने वाले को कहते हैं तू आ रूप बदल करके, यहाँ आएगा तो ऐसा ही आएगा नहीं कॉर्पोरियल में, तो उसको भी कॉर्पोरियल बनना पड़ेगा ना, यहाँ कैसे निराकार आत्मा क्या करेंगी है? नहीं, वो उसको भी कॉर्पोरियल फॉर्म लेना पड़ेगा, इसीलिए कहते रूप बदल निराकार से साकार बन, शरीर को धारण करके तुम भी यहाँ करके और हमारा ये अभी काम कर, क्योंकि समर्थ तो वही है ना सर्वशक्तिवान, अभी हमारी तो शक्ति चली गई, हमारे में तो वो शक्ति रही नहीं, हमको तो माया ने पकड़ लिया। तो अभी बाप को कहते हैं कि अभी आ और हमको आकर के दुख और अशांति से छुरा, इस माया की बॉन्डे से छुरा, तो हम दुख अशांति से छूटे। तो अभी बाप आकर करके कहते हैं कि अभी आया हूँ, हाँ बुलाते तो थे भक्ति मार्ग में कि आ आ, ये देखो भक्ति मार्ग के गीत है ना, तो अभी और मैंने जब आया हूँ, तभी कहा भी है कि जब जब ऐसा टाइम होता है तब तभी मेरा पाठ है, बाकी ऐसे नहीं मेरा पाठ सदा ही चलता है, जैसे कहीं समझते हैं कि परमात्मा का पाठ इस यदा यदा का, फिर कहीं अर्थ ऐसे भी कहीं गीताओं में भी ऐसा शायद अर्थ किन्होंने बैठ करके टीका की है, दोनों में ऐसा समझते हैं कि यदा यदा अधर्म से का अर्थ है कि जब जब अधर्म होता है, तो उसका मतलब है जहाँ जहाँ जिस जिस में सर्वव्यापी जो बनाया ना, वो कहेंगे जहाँ जहाँ जिस जिस में अधर्म यानी पाप कर्म का होता है, जब तभी तभी मैं आकर करके हाँ उसमें फिर वो जो जागृति कुछ आती है या ले आता हूँ, तो हाँ मैं आकर करके वो करता हूँ, क्योंकि सर्वव्यापी बनाए नहीं परमात्मा को, तो उसके काम को भी सर्वव्यापी रखेंगे ना, वो भाई टाइम है परमात्मा का एक ही समय है, जिस टाइम पर आकर करके अधर्म का भी एक ही टाइम है, ऐसे नहीं है कि जबी जबी जहाँ जहाँ जिसमें जिसमें अधर्म होता है तब तब मैं आकर करके उसमें उसमें वो जागृति लेता हूँ, तो वो तो वह जब भी जहाँ जिसमें वो तो चलता ही रहा, पर तो नहीं बाप कहते मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ ना, इसीलिए मेरा काम है कि जब दुनिया अधर्मी बनती है तब आकर करके मैं अधर्मी दुनिया का नाश करता हूँ, एक आदमी के अधर्म की बात नहीं है, कभी किसका अधर्म नाश करूं, कभी किसका अधर्म नाश करूं, कभी किसका करूं, ऐसी तो मेरी करते 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 कभी दुनिया धर्मात्माओं की बने ही नहीं है, उसकी माना सदाई दुनिया अधर्मों की अधर्मियों की रहेगी, ऐसे ही हो जाएगा ना कि कभी किसका उसका मतलब है, तो अधर्मी भी चले आएंगे और दुनिया भी अधर्मी रहती चलेगी, परंतु नहीं, ये भी सब चीजें समझने की है कि दुनिया भी कोई टाइम में धर्मात्मा है, यानी धर्मात्माओं की दुनिया जिसको तो स्वर्ग कहते हैं, यानी स्वर्ग अक्षर जो आता है हेवन, तो हेवन वर्ल्ड को कहा जाता है, ऐसे नहीं एक मनुष्य हेवन में हो तो साथ दूसरे हेल में हो, हा?
हेल एंड हेवन ऐसा तो नहीं, एक मन की तो बात, हेवन वर्ल्ड है, हेल वर्ल्ड है, तो उसकी माना हेल तो सब हेल में होंगे ना, यानी सब हेल में होंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कोई हेल में कोई हेवन में, उसको हेल कहेंगे ना। हेल वर्ल्ड से तहलिक रखने की चीज आती है शब्द, और हेवन भी वर्ल्ड से, तो हेवनली वर्ल्ड कहेंगे, तो हेवन वर्ल्ड, हेवनली वर्ल्ड, उसको कहा भी जाता है हेवनली गॉड फादर। तो देखो ये सभी चीजें कहीं इनका अर्थ समझते हैं, हेवनली गॉड फादर का मतलब वो हेवन में रहता है ना, इसीलिए हेवन, अरे हेवन में रहता है तो रहने दो, हमारा क्या करता है नहीं, वो हमारे लिए हेवन बनाता है, जो हम हेल में है ना, ऐसे तो नहीं हम हेल में ही और वो हेवन में बैठा हो और हम हेल में ही पड़े रहे। ऐसा कभी बाप देखा, बाप गए मैं तो अपना मौज करता रहो, बचे आ दुखी रहे क्या भी रही, नहीं, बाप कहता है मैं बाप ही तभी हूँ तुम्हारा जब ही कि तुम्हारे लिए ही तो मैं सुख बनाता हूँ, मैं तो हूँ ही दुख सुख से न्यारा, इसीलिए मैं न दुख में आता हूँ न मेरे लिए सुख की बात है, दुख में जो आते हैं उनों के लिए सुख की बात है, हेल में जो है उनके लिए हेवन की बात है, मैं न हेल में आता हूँ न हेवन की मेरे लिए बात है, लेकिन हेवन में बनाता हूँ, इसीलिए मुझे कहते हो हेवनली गॉड फादर, यानी हेवन के बनाने वाला, बाकी ऐसे नहीं हेवन में बैठने वाला या हेवन को भोगने वाला, नहीं, हेवनली गॉड फादर का अर्थ ही है हेवन को बनाने वाला, यानी हेल की दुनिया से दुनिया को हेवन बनाया है, इसीलिए उस कहते हैं बनाने वाला है ना, और काम कर्तव्य के ऊपर, बाकी मैं बैठा हूँ हेवन में तो मेरी महिमा है, तो तू बैठा है तो क्या है बैठा है तो बैठने दो, हम तो हेल में पड़े, हम खाली तुम्हारे लिए गाते रहे, भाई तू तो हेवन में बैठा है, तू तो हेवन में बैठा है तो क्या हुआ, तू हेवन में बैठा रहे, हम ऐसे बाप को तो कोई पूछे भी नहीं, पूछेगा कोई अज्ञान में भी या लौकिक रिश्ते में भी कोई बाप बैठा हो या बच्चे को ना पूछे तो कहेंगे तू बैठा है सुखी तो हमारे लिए क्या हुआ, नहीं पर उसने हमारे लिए कुछ किया है तब तो हम उसे याद करते हैं ना, तो उसने किया है, काम किया है, क्या काम किया है कि हमारे लिए हेवन बनाया है, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो ना उनको हेवन न हेल की दोनों ही चीज नहीं है, जहाँ हेल है वहाँ ही हेवन है, तो हेल एंड हेवन इस दुनिया की कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम मनुष्यों के लिए बात है, बाकी वो तो बनाने वाला है ना, इसीलिए कहते मैं आता हूँ तुम्हारा काम करने के लिए, अपनी निराकारी दुनिया से उतरता हूँ, अवतरण गाते हो ना मेरा कि अभी अवतार ले अभी उतर, तो मुझे कहते हैं उतर कहाँ से उतरू, अवतरत, अवतार का मतलब ही है अवतरत यानी उतरता, अभी कहाँ से उतरू, तो जरूर कोई मेरी जगह है ना, अगर सर्वव्यापी बैठा होता तो मैं तो उतरा ही बैठा हूँ, फिर उतरने की क्या बात है, फिर अवतरत हो कहने की क्या बात है, फिर अवतार क्यों मानते हैं, नहीं अगर मैं बैठा ही हूँ सर्वव्यापी तो बैठा ही हूँ, और बैठे हुए तुम मेरे यहाँ बच्चे दुखी होते जाओ तो मेरे बैठने का भी कोई महत्व नहीं है, कोई बैठा हो, आजकल भी कॉमन तरह से कोई मिनिस्टर है अपनी पोस्ट पर बैठा हो और कोई जनता को दुख होता है तो कहते भाई तुम्हारे बैठे हम दुखी होए तो तुम्हारे बैठे उठ, हाँ देखो नेहरू को पढ़ा, कहते उतरो उतरो कुछ नहीं तुम करते हो, हाँ जब भी कुछ होते है हंगामे तो कहते हाँ तुम उतरो उतरो उतरो, वो कहते थे बहुत नारे लगाते थे यहाँ, क्यों के भाई तेरे बैठे हम ऐसे दुखी हैं तो तेरे प्राइम मिनिस्टर डर जाए, और तो उसके आधार से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा छिमते छिमते तो ये सब तो हमारे हम जनता दुखी बैठी हैं, तो ऐसे होता है ना, तो ये भी बाप बैठा हो सर्वव्यापी और हम उससे बैठे बैठे दुखी होते जाए तो हम तो उसको कहे कि तुम उतरो, यानी तुम जानते हो बैठा ही क्यों है यहाँ, यहाँ तुम्हारे बैठने से फायदा ही क्या है, हम दुखी होते जाए और तू बैठा ही सर्वव्यापी देखता रहता है कि हम बच्चे तुम्हारे दुखी होते जाते हैं और दुखी पड़ते जाते हैं, तेरे बैठने का फायदा ही किया है। तो जब कामन में भी कोई सीट किसको मिलती है तो सीट का काम नहीं करता है तो उसको कहते हैं उतरो, हाँ और भगवान इतनी सीट ले बैठा है सबका खाली देखने के लिए हम बच्चे दुखी होते रहेगा, हाँ और सबकी सीट में बैठा है बैठा है सीट में अंदर बाहर क्या करता है, हम दुखी होते रहे, इसीलिए कहते देखो मेरी ये इंसल्ट करते, तुम जानते नहीं हो मैं बैठा नहीं, मैं बैठा होता और तू दुखी होते कभी नहीं, मेरे बैठे और बच्चे दुखी हो ये इम्पोर्टेंट, मैं तो जब आता हूँ तभी तो देखो तुम्हारी दुनिया सुख की बनाता हूँ, मेरी प्रेजेंसी में दुनिया सुख की बनाता हूँ, तभी तो मुझे याद करते, अभी तू प्रेजेंट हो अवतरत हो, अवतरत का मतलब ये प्रेजेंट हो, तो फिर तुम मुझे कैसे समझते हो कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, अगर ओमनी प्रेजेंट होता तो तेरे पास दुख अशांति या ये पाप कर्म सभी
ये बातें होती नहीं। पाप कर्म है तो फिर दुख भी है, इसीलिए ये सभी अभी है माया, इनको विकार कहेंगे। तो ये अभी तेरे में माया सर्वव्यापी है सब में, अभी मैं थोड़ी हूँ और मैं सर्वव्यापी की, तो मैं तो आता हूँ तुम्हारे इस दुख से तुमको छुड़ाने के लिए, अथवा इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए। तभी तो मुझे ऐसे नहीं है कि मैं सब में मेरा सबका स्थान मेरा यह स्थान है, नहीं मैं ऐसी चीज नहीं हूँ। जैसे तुम आत्मा को भी अपना ऐसे नहीं है कि मैं सब में मेरा सबका स्थान मेरा यह स्थान है, नहीं मैं ऐसी चीज नहीं हूँ। जैसे तुम आत्मा को भी अपना अपना शरीर है ना, ऐसे थोड़ी आत्मा सब में बैठी हो। हाँ तुम आत्मा सब में हो ना, तुम अपने शरीर में हो, तुम अपने शरीर में हो, तुम अपने शरीर में हो। हर एक आत्मा को अपना शरीर है, अपने अपने शरीर के कर्म के हिसाब में, भले एक शरीर छोड़े फिर दूसरा लिया फिर तीसरा लिया, ऐसे कई शरीर लेते हैं, लेकिन वो आत्मा का अपने शरीरों का हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं नहीं एक ही आत्मा सभी में है, नहीं एक ही आत्मा है, आत्मा हर एक की अपनी अपनी है और अपने अनेक जन्मों का अपना उनका पाठ है। इसी तरह से बाप कहते मेरा भी तो अपना पाठ है, ऐसे तो इस सबका जो पाठ है वो मेरा पाठ है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं ये जो सर्वव्यापी की बात है ना, ये बिचारे न जानने के कारण भाई परमात्मा क्या है क्या है, वो न समझने के कारण उन्होंने कह दिया कि भाई सब परमात्मा है। न जाना ना, कोई चीज नहीं जानी जाती है क्या, तो फिर कह देते हैं कि हाँ समझो यही समझ लो। हाँ तो उन्होंने भी ऐसा धक्का लगा लिया कि हाँ ये सब परमात्मा समझ लो। अब सब परमात्मा क्या, चीटी मकोड़ी फलारा फलाना सब कण कण में पत्थर पत्थर में सब में परमात्मा, न जाने के कारण सब समझ लो परमात्मा। तो कण कण भी परमात्मा हो गया, पत्थर पत्थर भी परमात्मा। इसीलिए देखो सर्वव्यापी के हाँ बाप ने कितना रोला कर दिया कि बाप कहते हैं मुझे देखो तुमने कण कण पत्थर पत्थर अपने लिए तो फिर भी रखा 84 लाख यूनि, चलो भाई जनावर पक्षी पशु, मुझे तो 84 लाख से भी बाहर ले गए। हाँ कण 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 और सब जरा जरा गिनती करो तो कितने हो जाएंगे, हाँ 84 लाख से भी जाए तो मेरे लिए तो यूनिया बहुत कर दिया, यूनिया से भी बाहर ले गए, मुझे तो एकदम ढगेल दिया सब में पीस दिया एकदम। अपने लिए फिर भी अंदाज रखा 84 लाख है, तो 84 लाख भी नहीं 84 जन्म है तेरे बहुत में बहुत, वरन तो अपने लिए फिर भी 84 लाख कहते हो। हाँ आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए तो कण 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 जरे 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 जरे, मेरे लिए तो एकदम हाँ मुझे तो सब में ढकेल दिया एकदम। इसीलिए जो बतलाया था ना एक आर्य समाजी मिला था, उसने कहा नहीं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो यहाँ से एक ब्रह्मा कुमारी मिली थी, उसने पूछा था बातचीत हुई थी भाई सर्वव्यापी तो सब में, कहा सब में का सब में एकदम, हाँ विष्टा में भी, हाँ कहा विष्टा में भी परमात्मा। हाँ देखो तो विष्टा में भी पढ़ते हो फिर याद क्यों करते हो, खास भाई ये इसको बस याद कर रखने का है, फिर तो सब वो तो कोई भी चीज आगे रख करके याद करो, फिर जब सब में है तो वो खास ही, तो वो खास बात तो रही नहीं ना। तो देखो कितने मुझे पड़े हैं बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े पंडित सभी बातों में बूझे पे परमात्मा के विषय के ऊपर बेचारे मनुष्य कैसे जान सकते। इसीलिए परमात्मा कहती मेरी विषय जो है ना, मेरी विषय कोई मनुष्य नहीं जान सकता है, मेरी विषय के ऊपर मैं ही आकर करके समझाता हूँ और मेरे पास ही नॉलेज है मैं क्या हूँ और मैं क्या हूँ उसके साथ तू भी क्या है, क्योंकि तू तो मेरी क्रिएशन है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं तेरी क्रिएशन हूँ, हाँ तू मुझे जानेगा नहीं, क्रिएटर ही तो क्रिएशन को जानेगा नहीं, बाप ही तो बच्चे को जानेगा ना। इसीलिए बाप मैं हूँ और मेरा तो कोई बाप है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने को भी और तेरे को भी तो जो भी मैं जानूंगा, इसीलिए तेरा परिचय और मैं अपना परिचय खुद आकर के देता। तो मेरी विषय और तेरी विषय पर और कोई समझा नहीं सकता, ऐसी नहीं तेरी विषय पर तू ही समझाए, नहीं तू तो क्रिएशन है ना, तेरा क्रिएटर जैसे बाप अपने बच्चे का पूरा यथार्थ बातों का समझा सकते हैं, इसीलिए कहते कैसा जन्मा क्या हुआ वगैरह सब बातों का। तो इसलिए बाप कहते हैं ये सभी मैं तुम्हारी भी बातें और अपनी भी बात जो है मैं समझाता हूँ, इसीलिए क्रिएटर ही मैं हूँ और मैं जानता हूँ। और तुम गाते भी ऐसे हो कि हाँ तू जानी जाननहार है, हाँ नॉलेज फुल है, ये सभी महिमा मेरी करते हो, नहीं नॉलेज फुल सब थोड़े होंगे, हाँ अगर सर्वव्यापी है तो सब नॉलेज फुल, हाँ उनके गुण भी सब में होने चाहिए ना, बाकी बैठा है गुण है नहीं, हाँ बैठ के क्या करता है, परमात्मा अवगुण यहाँ थोड़ी है भाई, सब में बैठा हो और मनुष्य ऐसा चोर चकार खूनी फर ये सब हाँ तो क्या ये सब अवगुण आप क्या ये मनुष्य नहीं, गुणवान तो फिर आप परमात्मा है तो फिर वो गुण भी होने चाहिए ना, तो परमात्मा बैठ के क्या करता है।
इसीलिए बाप कहते हैं ये सभी बातें समझने की है, मैं अभी नहीं हूँ, इसमें माया पांच विकार प्रवेश है तेरे में, कि मैं नहीं हूँ, मैं तो आता, मैं आकर करके तुमको ज्ञान देता हूँ, ऐसे भी नहीं मैं प्रवेश होकर के सभी को अपने अपने अंदर से ज्ञान दे दूंगा, ऐसा भी नहीं समझना है कि मैं आऊंगा तो फिर सभी को प्रवेश होकर के अंदर अंदर में सर्वव्यापी होके ज्ञान दूंगा, नहीं मैं आता हूँ मैं ज्ञान देता हूँ, इसीलिए तो भगवान वाचे, देखो शास्त्र है ना, यादगार है, तो भगवान ने वाचे किया है, बोला है, उसने बोल के नॉलेज सुनाया, ऐसे नहीं अंदर अंदर से सुनाया है, तो उसके यादगार से कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है उसकी यादगार भी दिखलाती है कि उसने बोला है, अगर बोला नहीं होता अंदर अंदर से होता तो प्रेरणा का क्या बनता, प्रेरणा का थोड़ी शास्त्र बनता है, या प्रेरणा क्राइस्ट ने प्रेरणा से बोला क्या, फिर बाइबल कैसे बना, बोला ना, नॉलेज समझाया, जो कुछ समझाया जो कुछ किया तो उसका उन्होंने भाई बाइबल बनाया, तो जैसे जो जो भी धर्म स्थापित है जो उन्होंने वर्षंश बोले, वो वर्षंश बोले ना, बोला बाकी अंदर अंदर से प्रेरणा या सर्वव्यापी होकर करके अंदर अंदर से उसको अच्छा कर दिया, तो अच्छा कर दिया, फिर उसके लिए ये शास्त्र यादगार, यहाँ भगवान वाच है, यहाँ इतनी ज्ञान की बैठ करके बातों का कोई बात ही नहीं है ना, तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अभी मेरी भी बात समझे, तो मैं भी आऊंगा तो समझाने के लिए तो मुझे कहाँ से समझाना पड़ेगा ना, तो समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझाऊं, समझाने के लिए आंखों से नहीं समझाऊंगा, फिर दूसरे क्या कैसे समझाऊं खाली, वो तो बोलना पड़ेगा ना, समझ किसको देनी पड़ती है, अभी डॉक्टरी नॉलेज देनी पड़ती है तो टीच करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा, बैरिस्टरी नॉलेज देनी पड़ती है तो टीच करना पड़ता है ना, तो ये भी तो मैं टीचर बन के आकर के टीच करूंगा ना, बाकी समझाऊंगा कैसे आंखों से, यहाँ क्या अंदर अंदर से, यहाँ क्या करूँ, कोई तरीका बताओ, कोई राय दियो, नहीं तो क्या करूँ, तो समझाऊंगा तो जरूर बोल के समझाऊंगा, और दूसरे कोई ढंग से तो समझाने का कोई और तरीका होता ही नहीं है, और समझाना होता ही है बोलने से, और बोलने के लिए जरूर मुझे मुख लेना पड़ेगा, बाकी आकाश के ऊपर से बोल लूं या अंदर अंदर से बोल लूं, अंदर अंदर से क्या बोलूंगा अंदर से बोलना नहीं होता, बोलना ऐसा होता है फिर सुनना होता है फिर उसको धारण करना होता है, कोई भी टीचिंग्स ऐसी होती है, तो मैं टीच करता हूँ ना अंदर अंदर की, तो बातें नहीं वो समझते हैं, अंदर अंदर आवाज आते हैं, अंदर अंदर बोलते हैं, तो कई बेचारों को कुछ अंदर आवाज आया था अंदर हमें, पर तू नहीं, वो तो सीधी बात है, अर्जुन जो शास्त्री बनाया तो भाई बैठ करके भगवान ने सामने सुनाया ना, अंदर अंदर से अर्जुन को प्रेरणा की क्या, अंदर अंदर से आवाज किया क्या, बताया नहीं, नॉलेज है, वो तो बड़े करके स्टोरी फॉर्म में बनाया है शास्त्र, तो भाई एक अर्जुन को थोड़ी दिया, वो तो उसने स्कूल का बाकायदे जैसे नर नारियों को समझाना होते समझाया, तो ये तो सभी चीजें अभी यहाँ जो रोज के आने वाले हो समझते हो, परंतु इस बातों में बहुत क्योंकि बहुत काल की ये सर्वव्यापी की बात बुद्धि में पड़ी हुई है ना, तो इन सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझना है, नहीं वो तो गीत भी कहते नहीं आ, उसकी माना ओमनी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट हो तो फिर आ कहाँ से आए, प्रेजेंट बैठा है पर आए तू, फिर वो आने की बात में उसको कहते आ तू, तो उसकी माना नहीं है आ आ, तो उसको कहते मैं हाँ बरोबर मैं आता हूँ तभी आकर करके तुमको ये नॉलेज दे करके तुम्हारी दुनिया सुख शांति की बनाता हूँ, तो ये सभी चीजें समझने की है कि अभी कहता है आया हूँ, अभी मेरे से यहाँ मेरी टीचिंग्स लो ना, अभी मेरी टीचिंग्स लो और उसको करके सुनो और समझो और फिर उसको अमल में लाओ, प्रैक्टिकल में जो कहता हूँ, ऐसे नहीं खाली सुनने की भी है, प्रैक्टिकल में लाना हो, जो कहता हूँ वो करो करो, तो फिर तुम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे और ऐसे सुख को पाएंगे, ठीक है ना, तो अभी उसके अमल लाने के लिए अथवा प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए प्रयत्न करना है, सारा मदार प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, लाइफ में क्या लाना है उसका भी डिटेल समझाते रहते हैं, अच्छा आज गुरुवार है इसलिए थोड़ा टाइम उसको भी देना है, तो फिर आप लोगों को कोई छुट्टी बुट्टी तो नहीं होगी देनी होगी, अच्छा ये तो ये सभी बातों को समझ कर सके अपना पुरुषार्थ ऐसा रखो, जो बाप का फरमान है जो बाप की आज्ञा है उसका पालन करो, आज्ञा फरमान का तो मालूम नहीं है, बी होली बी योगी, शॉर्ट में इतना कहेंगे, इसका टॉपिक लेकर के इसका विस्तार करेंगे, होली कैसे योगी कैसे, तो फिर उसका विस्तार भी है, पर रोज सुनते हो समझते हो मालूम है होली कैसे योगी कैसे, बस उसी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज की धारणा करो, उसको कहते भी है होली फादर, पवित्र बनाने वाला है, सभी उसके टाइटल्स है ये, हेवनली गॉड फादर,
नॉलेजफुल, ओशन ऑफ नॉलेज, देखो ये सब महिमा है उसकी, कुछ ये कर्तव्य की। बाकी अपने लिए जानता है, अपने लिए हेवन में बैठा हो, अपने लिए सब हो, तो हमारा क्या है? हम खाली कोई बैठा है खाली ऐसे महिमा करे, हमारे लिए कुछ करता है तभी महिमा है। वैसे भी कॉमन कर ऐसे भी मनुष्य मनुष्य के लिए कुछ करते हैं, भाई गांधी ने हमारे लिए कुछ किया, देश के लिए किया, जनता के लिए किया, तभी तो हम कहते भाई गांधी ऐसा था वैसा था, उसकी महिमा कुछ करते हैं तभी तो होगा ना, तो भगवान ने भी कुछ किया होगा तभी तो महिमा है, बाकी ऐसे ही थोड़े। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है और समझ कर करके अपने बाप से अभी वो वर्षा पाना, वर्षा पाना है। ये तो बुद्धि में न, हर एक के दो बाप है, तीन बाप भी कह सकते हैं किस हिसाब से, हाँ बताओ गोविंद किस हिसाब से तीन बाप है? तो दो सुने हैं, तीन 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 कैसे बताओ? नहीं दादा को भी अभी ब्रह्मा रखेंगे ना, देखो एक तो है आत्मा का पिता, वो तो निराकार परमात्मा, दूसरा तो शरीर का पिता, और तीसरा ब्रह्मा तो नहीं ह्यूमैनिटी, तो उनको भी रख सकते हैं, जैसे वो धर्म के पिता है ना, जैसे क्राइस्ट आया अपना अपना धर्म क्रिएट किया है, तो अभी ये है न्यू ह्यूमैनिटी का, इसको मनुष्य को रखा ना, तो इसके द्वारा ब्रह्मा तन से आकर करके ये ब्राह्मण क्रिएट किए, तो उसी हिसाब से तो कहेंगे ना वो बाप वो दादा, उसको फिर ग्रैंड फादर कहेंगे। तो हमको वर्षा मिलता है ग्रैंड फादर का, हा? दादे का हक होता है नी, हाँ पोतरे का हक दादे के ऊपर होता है, दादे के मिल्कियत के ऊपर, तो हमारा दादा हो गया ग्रैंड फादर उसको कहेंगे, और वो फादर क्योंकि वो आकर करके उनके द्वारा न्यू ह्यूमैनिटी का ये रचना रचते हैं, तो मनुष्य रखा तो उसको ऐसे कहेंगे। उसको ब्रह्मा को भी तो कहते हैं ना ब्रह्मा जी क्रिएटर, परंतु क्रिएटर उसको कहेंगे वर्ल्ड का, परंतु उनके द्वारा न्यू ह्यूमैनिटी का आरंभ कराते हैं इसीलिए उनको, तो वो फादर वो ग्रेट ग्रैंड फादर दादा, तो इसीलिए हिसाब से कहेंगे भाई यहाँ हम दादे का वर्षा लेते हैं, बाकी याद हमको दादे को करना है। वो कहते याद मुझे, क्योंकि वर्षा तो उससे लेना है, याद उसको करना है। ये सभी थोड़ी बातें हैं जो आते हो रोज, ये तो ज्ञान ऐसा है चिट चैट जैसी रमणीक बातें हैं, मीठी बातें, उसको उनमें भी कोई मुझने की नहीं है, पर तो ये समझना है किसी हिसाब से। अच्छा ये बॉम्बे, अच्छा ये पुणे और बॉम्बे अभी संगम है ना, हाँ बॉम्बे जाना है, पुणे से विदाई लेनी है, आज लास्ट गुरुवार है तो संगम बिठाया है। अच्छा अच्छा चलो याद करो, चलो का मतलब है टांगे से नहीं चलने का है, उसे याद करो, बुद्धि को अभी उधर लगाओ बाप की याद में, तो उसी याद में रहने से फायदा है। फिर बाबा इनका जिसका भी होगा, हो सकते हैं कभी किसका भी रसी खींच सकता है, फिर आ रसी क्या यानी इनको दिखाएगा दिल रूपी दर्पण, कहाँ खींच के नहीं ले जाएगा, यही है, परंतु इसको दिल रूपी दर्पण में जैसे बतलाए नहीं आगरे का ताज देखो दिल्ली का होगा, उसमें दिखाए दूरबीनी से और बाबा इनको दिखाएंगे कुछ दिखाने का होगा, तो जिसका पाठ है देखो हमको आपको मालूम है ना, हमें कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हम जानते हैं, और ये कोई नई बात नहीं आनी, भक्ति मार्ग में भी बहुत जाते हैं, कोई ऐसे होंगे जिनको अपना अनुभव भी होगा, पहले से भी बहुत जाते हैं कृष्ण के, विदाई लेना समझा, और लास्ट गुरुवार है ना, तो ना पुणे वालों का के लिए कुछ भी आ कोई डायरेक्शन हो, कोई आप लोगों का भी कुछ मैसेज वेसेज हो तो हाँ बता दो, कोई आस पास कुछ या कुछ है? बाकी तो हाँ फरमान का मालूम ही है, हाँ जो जितना धारण करेगा पालन करेगा वो अपना कल्याण करेगा। अच्छा चलो चावे गो सुन और हाँ क्यों नहीं, याद प्यार तो देना ही है, और ऐसा तो उनके यहाँ धाम तक भागना है, पुरुषार्थ में अपने को उसके धाम तक पहुँचाने का लायक अपने को बनाना है, और ऐसा पुरुषार्थ रखने का है, तो फिर क्यों नहीं हाँ अच्छा अच्छा जो पुरुषार्थ रखेंगे वो आगे आगे आते जाएंगे, पुरुषार्थ से आगे आना है ना। अच्छा चलो शाबाश टाइम होते हैं, और लाका मालूम है वो सुनता आप लोग खेल खापाल में बैठ जाएंगे, हम तो यहाँ झुटका खाएंगे ना, तो आप तो मजे में आप तो देखते रहेंगे, हम तो भाई देखते कुछ नहीं है, तो हम तो हाँ इसीलिए आप खेल में बैठ जाओ, खाली अपना है बाबा को रिस्पेक्ट देते, जैसे कोई खिलाता है ना तो उसको नहीं ऑफर की जाती है,
ये रिस्क फैक्टर्स को याद कर करके इसमें फायदा ही है, कोई नुकसान से बतलाता था ना हमारा रामचंद्र, हम खाने पर बैठते हैं तो भाई उसकी कहते हैं क्या तुम देते हैं हम तुमको याद कर करके, तो ये रिस्पेक्ट है। और उसको याद करके खाने से क्या होता है कि हाँ उस खाने का भी हमको ताकत मिलती है, खाली हमारा खून नहीं बनेगा लेकिन दुआनी भी बल। हाँ वो कहते हैं ना विचारों के ऊपर भी खान पान का असर पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम हाँ उस बाकी याद से उस अन्न को पवित्र बना कर करके खाते हैं तो उसका बल हमारे आत्मा को भी मिलता है, जिससे तो हम तो प्यूरिफाइड बनते हैं। तो ये सभी बातें है जिसको समझना है, इसमें मुझना नहीं है। चलो जावेद तुम्हारे बाजू में बिठाए थे तो वो भी खींचेंगी, थोड़ा हम भी बाबा को कहेंगे कि बाबा इनको थोड़ा घुमाओ फिराओ। कोई बात नहीं, माया का देश है ना, अपना थोड़ी है हा? तो कहते हैं उड़ पंछी यहाँ से हा? ये पराया देश है, ये अपना नहीं है, अपना तो स्वर्ग धाम और शांति धाम। कल पूछा था नहीं गति सदगति, एक गति धाम अर्थात शांति धाम, दूसरा सदगति धाम अथवा स्वर्ग। तो अपने धाम है वो, ये तो है दुख धाम, ये पराया, ये माया का, ये रावण का देश है। तो ये पराया है नहीं, अपना नहीं है, देखते पराये देश से अभी उड़ पंछी अभी चलो अपने देश। हाँ तो अपना अभी देश का ले चलने वाला अभी आया है, ये पराया है, ये रावण का है देश, इसी से अब थके है, थके हो ना, तो अभी चलो उड़ो उड़ो उड़ो। जोगिया कोई कंपनी नहीं है, यही ज्ञान की या योग की जो धारणा रखी है माया से अपने को, जो अपना देश का वेश है। अपने देश का वेश कौन सा है हा? बताओ हा? हमारी बात से बताओ, हमारे देश का वेश कौन सा है हा? वही कौन सा वही कौन सा वही कौन सा अपने देश का वेश कौन सा है? अपना हाँ, अपना कौन, ये अपना कौन कहती है? आत्मा। आत्मा के देश का वेश कौन सा है? परमात्मा तो परमात्मा है, अपना वेश कौन सा है? अपना वेश माना हम आत्मा नंगी आई थी, उस समय शरीर तो नहीं था ना पहले यार, तो अब प्लेन थे यार, तो कहते नंगे आए अभी नंगा जाना है, तो अभी यानी प्लेन हो जाओ, फिर आत्मा प्लेन जैसे शरीर से डिटैच हो जाओ, तो अपना जो देश का वेश है ना अभी उसी वेश में आ जाओ, ये वेश उतारो ऐसे डिटैच हो जाओ, ये तो यहाँ लिया ना और तो यहाँ पहले अच्छा था, अभी लेते 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 ये शरीर दिया पुराने हो गए, देखो उसमें दुख रोग कितना सब ये सब, अभी कहते ऐसे डिटैच हो जाओ आप, फिर मेरे देश में चलो जैसे नंगे थे प्लेन हो जाओ आत्मा प्लेन, पीछे पर आएंगे तो तुमको ये शरीर भी जो मिलेगा ना इस देश का वेश, ये है इस देश का वेश शरीर, उस देश का तो वेश नहीं है ना, उस देश का प्लेन ना, अभी कहते हो उस देश का हो जाओ, अपने को ऐसा समझो जैसे नंगे आए थे अभी ऐसा अपनी बुद्धि उसमें रखो ना, तो फिर अंत मते सो गते फिर जब आएंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना हा? तो अभी अपने शांति धाम, पहले तो शांति धाम जाना है ना, पीछे सुख धाम, पहले कहा जाएंगे शांति में या सुख में, कैसे कैसे हाँ पहले तो वहाँ जाएंगे जरा थोड़ी रियायत किया नहीं, देखो क्लास में भी कोई स्टूडेंट इसको बताते नहीं, दस पंद्रह की नहीं, अपने बुद्धि से सुनाना है
नहीं, अपना जो देश है पहले पहले जाना है शांति धाम में, यानी पहले तो आत्मा हो जाना है, आत्मा के धाम में जाना, पीछे फिर आत्मा आकर के सुख धाम, यानी फिर शरीर जो लेंगे सतयुग में वो फिर उसको सुख धाम कहेंगे, वो पीछे लेंगे। अभी तो पहले जाना है नहीं, वापस जहाँ से आए अपने घर को, स्वीट होम को, तो वो स्वीट होम जहाँ हम साइलेंस में आत्माएं हैं, तो अब तो उधर जाना है, तो पहले शांति धाम यानी वाया शांति धाम से फिर सुख धाम आएंगे। अभी यहाँ से जैसे होती है नहीं वाया बॉम्बे से अबू जाना है हमको, हाँ इसी तरह से यहाँ वाया शांति धाम से फिर जाएंगे सुख धाम, तो वाया होना है शांति धाम, वाया करना है हिसाब ऐसा ना, ये ज्ञान ऐसा है जैसा चिट चैट है पर तो ज्ञान है सब में। आज आगे बैठा नहीं वादू शेर तो इसीलिए जीवन क्या बोल रहे जीवन लाल है क्या? अच्छा कैसे रामचंद्र, ये तो देखो शांति धाम का बहुत अच्छा निवासी है, यहाँ बैठे बैठता है शांति धाम में, तो ऐसे बैठे हुए आएंगे जरूर सुखधाम में, सुखधाम में भी आएंगे ना। हाँ रामचंद्र जी, हाँ हाँ खाली मुक्ति तो नहीं चाहिए ना, जीवन मुक्ति भी चाहिए ना, वो तो है, वो तो जन्म से अधिकार है, पक्का है। कहीं कहते हम खाली मुक्ति में बैठे रहे आए नहीं फिर, पर तो आना भी जरूर है, उसी से पीछे उतरे पहले क्यों नहीं आए हा? जीवन मुक्ति के टाइम, ये तो अकल की बात है, उतरना तो जरूर है, पीछे उतरे जब दुनिया पुरानी हो, नए घर का क्यों नहीं सुख ले रहे। अभी हमारा बाप, हमारा तुम्हारा सबका बाप, अभी अपना बाप ऐसे कहे हा? तो हम सबका पिता अभी आया है और अभी हमारी दुनिया सुख ही बनाता है, इसीलिए कहते हैं पहले चलो मेरे धाम में जहाँ से आए थे तब तक यहाँ सफाई हो जाएगी, ऐसा डिस्ट्रक्शन से सब साफ सुफ हो करके फिर अच्छा यह हो जाएगा, फिर आकर करके तुम अच्छी दुनिया का सुख पाना, अभी चलो जाना तो सबको है वैसे भी, ले तो जाऊंगा परंतु अभी आया हूँ मेरे से चलने में जरा अच्छा रास्ते से आ, कोई यहाँ कुछ खिटखिट नहीं हो गया चल पड़ेंगे, इसीलिए कहते हैं अभी मेरे साथ चलो, मैं जो ये ज्ञान और योग की धारणा कराऊ उसी धारणा से आराम से चलेंगे, तो अच्छी बात है। बाप अच्छी राय देते हैं और अच्छा साथ देता है, मदद करता है, खाली कहते थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, तो करना चाहिए, कैसा पारसी बाबू। हाँ बराबर, ये जहांगीर शेर सबको चलना है, हाँ कोई भी हो सबका बाप आया है, इस्लामी बुद्धिज्म सभी सबका